होता था तालियां आपकी तरफ से जोरदार होती बात पाठन भाई सब तालियां आपकी तरफ से जोरदार तालियों में कमी ना करें बहुत बड़ी संख्या में आपकी भावनाएं संप्रेषित कर रही हैं पौधा दीप प्रज्वलित कर आज प्रारंभ जोरदार तालियां आपकी तरफ से ये ऐतिहासिक लम्हा ये ऐतिहासिक पल जब हम और आज के इस कार्यक्रम पर रांची नगर निगम श्री मुख्यमंत्री आज के इस अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए मार्गदर्शन के लिए शुभकामनाओं के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत आप सभी को आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। सिर्फ नाली सड़क ही नहीं कि वातावरण को भी स्वच्छ बनाने के लिए हरा भरा करने का भी एक कार्यक्रम जो हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं शहर में उसमें भी आप लोग अपना भूमिका निभाएं। बाकी अभी आप लोग कुछ दिन पहले ही यहां हम लोगों ने धूमकुड़िया का भी शिलान्यास किया है। आज ये स्टेडियम का सौंदर्यीकरण और कई छोटे बड़े योजनाएं आज ये बड़ा तालाब मैंने तो इसको शुरू से नहीं देखा अपने जीवन काल से पहले से ही है ये लेकिन जिस तरीके का ये बड़ा तालाब हुआ करता था आज उस बड़ा तालाब को देखकर निश्चित रूप से काफी मन को तकलीफ होता है ये क्या से क्या हो गया और नतीजा ये होता है कभी कभी हम लोग नजरअंदाज करते हैं तो हाई कोर्ट कानून की नजर में आने के बाद फिर एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसलिए समस्या हम खुद उत्पन्न करते हैं तो समस्या का समाधान भी हमें करने की क्षमता उत्पन्न करनी होगी नहीं तो हम यूं ही एक दूसरे के देखते एक दूसरे को देखते हुए समय काटते चले जाएंगे चीजें वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। इसलिए एक सस्टेनेबल व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक लंबी कार्य योजना बनाने का काम विभाग के तरफ से चल रहा है। शहर में पॉपुलेशन बढ़ रहा है शहर में गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है थोड़ी सी बारिश होती नहीं है कि सारे शहर में कोहराम मच जाता है बादल आसमान चढ़ता नहीं ये बिजली की लाइनें कट जाती हैं कई सारी चीजें। तो इसलिए ये शुरुआत है हम चाहेंगे हर शुरुआत में जब तक जन सहभागिता सुनिश्चित नहीं होगी आगे काम करना बहुत कठिन होगा। आज एक वैश्विक महामारी से हम गुजर रहे हैं इस विकट परिस्थिति में झारखंड में जो एक देश का अत्यंत पिछड़ा राज्य के नाम से जाना जाता है इस राज्य में गरीब गुरुआ मजदूर लोग हतोत्साहित ना हो इसके लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास किया और इस संक्रमण में भी हम लोग बहुत संयम और धैर्य का परिचय हमारे झारखंड वासियों ने दिया है रांची वासियों ने दिया है इसके लिए आप सब लोगों को भी बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। नहीं तो जिस वैश्विक रांची शहर के अंतर्गत योजनाएं हम जामे गर्भधाम ओम सुम कष्ट एक दंत कपिलो माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों द्वारा प्रेशर कम जाएगा
आप देख सकते हैं का पालन करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे आप उसमें। जब खुशियां सबके अंदर उमड़ रही है और अपनी अपनी भावनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी तक